अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी बनाना शेक की। बहुत मज़े की रेसिपी है और जल्दी से तैयार हो जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। बनानास छिलका मैंने इसका उतार लिया है, 1 लीटर दूध, ये बॉयल्ड मिल्क है, 4 to 5 टेबल स्पून शुगर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सबसे पहले हम दूध ग्राइंडर में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर केले ऐड कर देंगे। बहुत मज़े का ये शेक बनता है, आप बच्चों को बना के दे सकती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी शुगर हम साइड पे कर लेंगे, मीठा हम इसका टेस्ट कर लेंगे। इसे बनाना शेक हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे ग्लास में ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध में मैंने 5 बनानाज ऐड किए और 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शुगर ऐड की, तो ये बहुत मज़े का शेक बन गया। क्वांटिटी अगर आप अपनी सही रखते हैं तो शेक हमारा ऑलरेडी सही बन जाता है। गार्निश करने के लिए इसमें मैं बादाम ऐड करूँगी कट किए हुए थोड़े से। मज़ेदार बनाना शेक की रेसिपी हमारी तैयार है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी स्ट्रॉबेरी शेक की। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और जो बच्चे फ्रूट शौक से नहीं खाते हैं आप उन्हें ये शेक बना के दे सकते हैं। बहुत हेल्दी शेक ही होता है। उसके लिए हम यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके पत्ते ऊपर से उतार लिए हैं। बॉयल्ड मिल्क 1 लीटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके अलावा यहाँ पे 5 to 6 टेबल स्पून शुगर मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। आइस क्यूब मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ठंडा शेक नहीं बनाना। तो सबसे पहले हम दूध मैंने ग्राइंडर में ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम। कुछ सेकंड के लिए हमने इसे ग्राइंड करना है और फिर हमने इसे चेक कर लेना है। अगर आपने आइस क्यूब इसके अंदर ऐड करनी हो तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग हमारा रेडी है। इसे हम ग्लास के अंदर ऐड करेंगे। और इसे डिश आउट कर देंगे। एक और ग्लास में हम ऐड कर लेंगे। बाकी हम साइड पे कर देंगे। इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी पे थोड़ा सा कट लगा के इसे साइड पे लगा देंगे। स्ट्रॉबेरीज को मैंने कट करके साइड पे ग्लास पे लगा दिया गार्निश के तौर पे। आप इसके अंदर बादाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार स्ट्रॉबेरी शेक हमारा रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपका शेक कैसा बना। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, आप उन्हें बना के दे सकती हैं ताकि इस तरह वो फ्रूट्स और दूध दोनों का इस्तेमाल कर सकें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।